हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 21st टू 31st अगस्त। जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर। जनरल मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 21st टू 31st अगस्त मैसेजेस फॉर कैंसर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। कैंसर, देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज में तो आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपका जो इम्पेशंस है वो ओवर पार कर रहा है, एंड उस इम्पेशंस के चक्कर में आप काफी इम्पल्सिव हो रहे हैं कि ये चीज हो क्यों नहीं रही है, मुझे ये चीज चाहिए थी तो ये हुई क्यों नहीं, या लाइक कोई सिग्नेचर क्यों नहीं हुआ, एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, या लाइक टाइम क्यों ले रहा है क्लाइंट इतना, या मुझे इतना इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिल रहा, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। एंड आई फील इम्पल्सिव होके आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको बैकफायर करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा अपना इम्पल्सिवनेस जो है वो कंट्रोल में रखनी है। थोड़ी सी आपको ना चीजें, कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने कोई भी फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। यू कैन नॉट लूज योर पेशेंस एंड टेक रैश डिसीजंस, ये मुझे चीज दिख रही है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी है हमारे पास, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आप रैश डिसीजन ले रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी इस रीडिंग में आ रहा है। जल्दबाजी में, इम्पेशंस में, इम्पल्सिव होके आप कुछ तो रैश डिसीजन ले रहे हैं, एंड उसके बाद कुछ गुस्सा भी आपका दिख रहा है कि हाँ ये चीज मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एंड गुस्से के बाद आई थिंक मे बी लाइक इन अ डेज टाइम, और मे बी लाइक 2-3 डेज, विदिन 2-3 डेज आप रियलाइज करो दैट आपने बहुत ही गलत कुछ कर दिया है, कोई बहुत ही गलत स्टेप ले लिया है, एंड अब ये चीज रिवर्स नहीं हो सकती है, इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। मे बी वो क्लाइंट अब आपसे नहीं मान, मतलब आप उसको नहीं मना सकते हो, मे बी वो क्लाइंट अब उखड़ गया है आपसे, एंड वो चीज ठीक नहीं हो सकती है उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, और मे बी आपके बॉस के साथ चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, एंड इरिपेरेबल डैमेज हो गया, कुछ गलत बोल दिया है आपने। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, यू आर पुटिंग अ फुल स्टॉप टू टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जॉब, क्लाइंट, प्रोजेक्ट, डील, वट एवर, एंड यू आर मूविंग ऑन बिकॉज यू हैव रियलाइज दैट दिस टाइम द डैमेज इज इरिपेरेबल, रॉक बॉटम आ गया है, चीजें ठीक नहीं होंगी, मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई पॉइंट नहीं है यहीं पे अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट करने का, गलती हो गई तो हो गई। करियर को लेकर तो मुझे ये लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं वहां से। किंग ऑफ कॉइन्स है स्पेशल व्हेन इट कम्स टू मनी। अब देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, इवन दो आप अपने जॉब से मूव आउट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल लाइक हाथ खाली है, पैसा नहीं है आपके पास, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, फाइनेंशियल कंट्रोल दिख रहा है, फाइनेंशियल पावर है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, एक कंट्रोल होता है ना इंसान का अपनी लाइफ पे, कंट्रोल होता है कि कौन, कई बार जब इंसान के पास पैसा बहुत होता है तो उसके हाथ में होता है कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं खर्च करना है, जितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एंड लाइफ में आप क्या चीजें, कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, कौन सी नहीं, उस पे कंट्रोल होता है जब पैसा ज्यादा होता है। तो वो फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल पावर, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, मन की चीज, वो मुझे चीज दिख रही है। पैसा आपके पास आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है 21st टू 31st के बीच में, तो भी
यूनिवर्स बता रहे हैं दैट यू हैव इनफ मनी, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है, इन कंपैरिजन टू योर एक्सपेंसेस आपके फाइनेंसेस काफी अच्छे हैं या फिर आगे जाके अच्छे हो रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू मैरिज 10 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी है. आपका ना मुझे ऐसा लग रहा है जॉब का आप इतना लोड नहीं ले रहे हैं, कोई चीज जल्दबाजी में करी छोड़ी आगे बढ़े, आप इतना लोड नहीं ले रहे हो उस चीज का, ठीक है. बस आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई आपको समझ आ गया कि यहाँ पे गलती हो गई मुझसे एंड अब ये लोग मुझे सुनाते रहेंगे पूरी जिंदगी भर, तो यहाँ से निकल लेते हैं, वो वाली चीज है. मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली सारी इकट्ठी हो रही है, रीयूनियन हो रहा है, मे बी या तो कोई एनिवर्सरी आ रही है या फिर कोई बेबी आ रहा है, मे बी लाइक यू आर प्रेग्नेंट और यू आर प्लानिंग अ फैमिली और कुछ कंसीव कर रहे हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है. बट लाइक द एंटायर फैमिली इज गेटिंग टुगेदर, रीयूनाइटिंग, हैविंग फन, सेलिब्रेटिंग. मे बी आप दोनों शायद कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगेन एनिवर्सरी हो सकती है या फिर कुछ गोद भराई की रस्म टाइप कुछ भी हो सकती है, बट मुझे हैप्पीनेस दिख रही है. लाइक सिर्फ एक कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पीनेस नहीं कि आप और आपके पार्टनर हैप्पीनेस है, मुझे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पीनेस दिख रही है. तो या तो जो लोग शादीशुदा हैं उनका मैंने बता दिया, जो लोग लाइक फियोंसे हैं एंड अबाउट टू गेट मैरिड दे माइट गेट मैरिड एंड दैट इज व्हाई द एंटायर फैमिली इज लाइक टुगेदर एंड रीयूनाइटिंग एंड हैविंग फन, वो चीज भी हो सकती है. अगेन आपकी एनर्जी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, हाई प्रीस्टेस है हमारे पास. आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो रही है पाइसेस और सॉरी कैंसर, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो रही है. अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा. आपके सपने जो आपको बताते हैं, आपका गट, इंस्टिंक्ट, फीलिंग, कोई भी चीज जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, यहाँ ये चीज बढ़िया है, बट वो जो बट के बाद वाला जो सारा प्रोसेस होता है, सारे थॉट्स होते हैं, वो ओवर थिंकिंग होती है. तो ओवर थिंकिंग को मत ध्यान दीजिएगा, बट इंट्यूशन को प्लीज सुनिएगा. अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा, इंट्यूशन, गट फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा. सीक्रेट रिवील हो सकता है गाइज, कोई मे बी कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है जिसपे आपको थोड़ा सा वाइजली बिहेव करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है. कोई चीज आपको पता लगी और आप एकदम धड़ करके चले गए, लाइक कुछ भी उल्टा जवाब देने या यू नो लड़ने और चिल्लाने और व्हाटएवर, वो आपको नहीं करना है, बट तब भी आप शायद कर रहे हैं. क्या है ये हमारे पास, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कर रहे हैं. एंड लेटर ऑन जब आप शांत हो जाएं, गुस्सा खत्म हो जाए, तब यू माइट रियलाइज कि ये तो इरिपेरेबल डैमेज कर दिया है हमने कैंसर. तो सीक्रेट रिवील हो सकता है, वहां पे आपको वाइजली बिहेव करना है. मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान है, सेवन ऑफ सोर्स, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके साथ झूठ सच कर सकता है, आपको यू नो लाइक थोड़ा सा चलाकी चल रहा है, आपके साथ माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, आपकी इनसिक्योरिटी पे प्ले कर रहा है आपके साथ. ऑल्सो ये इंसान आपको बोले कुछ कि ये सही है, बट एक्चुअल में सही चीज कुछ ऑपोजिट ही हो, तो वो मैनिपुलेशन, चीटिंग वाली वाइब मुझे बहुत ज्यादा आ रही है. अब आपके ये काम में भी कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, सीक्रेट रिवील हो सकता है, कोई जान के आपको कोई चीज बताए, क्योंकि उसको पता है कि जब ये चीज कैंसर को पता लगेगी वो एग्रीवेट हो जाएगा, ठीक है. एंड मैं तो चाहता ही हूँ कि ये एग्रीवेट हो कैंसर, ताकि ये बॉस के पास जाए और उसको उल्टा सुना दे और फिर इसको जॉब से बाहर निकाल दे या ये खुद छोड़ दे, और वही सब कुछ हो रहा है. तो मैनिपुलेटिव जो इंसान है वो आपको ट्रिगर कर सकता है, ट्रिगर होना है या नहीं होना है वो आपके हाथ में है, वो दूसरे के हाथ में नहीं है कैंसर. हेल्थ को लेकर हम अगर बात करें, स्किन की प्रॉब्लम दिख रही है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है कुछ खाने से, या मे बी कुछ पेड़ पौधों के आसपास कोई कीड़ा काट सकता है. वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है मुझे, नसों से रिलेटेड, कुछ नस चढ़ सकती है या फिर कहीं पे कुछ नस वाली कौन सी चीजें होती हैं और प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट श्योर, बट वेन्स से रिलेटेड एंड स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. अब हम देखेंगे चिली फॉर्चून डेक्स से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस है, कोई पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, एक्ने, इनडाइजेशन, गट इश्यूज, या फिर कोई और चीज हो गई
हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, हेयर फॉल हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो कि और भी ज्यादा हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ बीइंग लव, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ आइसोलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस धजिया उड़ी हुई है, या फिर क्लैरिटी नहीं होती है किसी चीज की, चाइल्डहुड ट्रॉमास ने घेर के रखा हुआ है, तो फिजिकल या इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं ये इस वजह से होते हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। और आपके चक्रा की जो ब्लॉकेज है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, चक्रा डिस्टेंस हीलिंग से। उसमें हम आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी दे सकते हैं, उससे भी हीलिंग हो सकती है, या फिर कंटिन्यूस रेकी सेशंस भी दे सकते हैं। दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपका नेगेटिव एनर्जीज या ऑराज आपको अफेक्ट बहुत जल्दी करते हैं, आपकी आपके ऑरा एंड आपकी एनर्जी अफेक्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपके खुद की एनर्जी वीक है, तो उसके लिए हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं टू फिगर आउट कि कौन सा चक्रा वीकेस्ट है, किस पे काम करना है, ऑरा का रंग क्या है, हील कर रहे हो नहीं हील कर रहे हो, किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, या फिर हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जस्ट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। अब नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगेगा? तबीयत खराब होना बहुत जल्दी किसी एक स्पेसिफिक इंसान की प्रेजेंस में, अगर आपकी तबीयत बार बार खराब होती है, आप ढीले पड़ जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, लेथार्जिक हो जाते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो दूसरा बोल रहा है वही आप बोलने लगते हो, तो ये शो करते हैं कि एक तो दूसरे का नेगेटिव एनर्जी है और आपका जो ऑरा है वो खुद वीक है। ठीक है, तो दोनों चीजों पर हमें वर्क करना है, एक तो दूसरे की नेगेटिव एनर्जीज हटानी है जो कि लैच ऑन हो गई है आपसे, और आपका ऑरा भी क्लेंस करना है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ मैं आपको, बट अगेन मैं हमेशा की तरह बोलूंगी, रेपिटेटिव होंगी बट कोई दिक्कत नहीं है, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस है गाइज, एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस क्विक नहीं होती हैं। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, प्लीज वो हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ना जाएं, बिकॉज हीलिंग प्रैक्टिस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें, बिलीव करें कि हीलिंग प्रैक्टिसेस काम करेंगे, एंड डेस्परेट ना हो रिजल्ट्स के लिए। ये चार चीजें कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, कैंसर के लिए मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं 21st to 31st August कैंसर के लिए मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। रीत, सोरो ओवर अ लॉस, देखिए कोई चीज का तो लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे कहाँ गया, टेन ऑफ सोल्स, जॉब से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, निकाले जा रहे हैं, या फिर खुद लाइक यू आर पुटिंग एन एंड टू इट, और मे बी दे आर चकिंग यू आउट ऑफ द ऑफिस, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट यस आपको किसी चीज पे यू आर काइंड ऑफ सैड, नॉट दैट। देखिए यहाँ पे सैडनेस ना आपकी बड़ी डिफरेंट तरीके की है, ऐसा नहीं है कि आप महीनों तक उस चीज पे रो रहे हो कि ये चीज कैसे खत्म हो गई, मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने कैसे करा मेरे साथ ये वो ये। हाँ आपका थोड़ा सा मे बी ईगो हर्ट हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे गलती पे नहीं हूं, बट उस ईगो हर्ट की वजह से थोड़ी सी सैडनेस हो सकती है ओवर समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट, लाइक मे बी यू हैव लॉस्ट अ क्लाइंट, और मे बी यू हैव लॉस्ट अ गुड जॉब, और मे बी योर रिलेशनशिप विद योर बॉस वॉज ग्रेट बिफोर दिस थिंग हैपेंड, एंड उसकी थोड़ी सी सैडनेस हो सकती है कि हाँ अच्छी खासी चीज खराब हो गई मेरी इम्पेशेंस की वजह से। ग्रास हॉपर सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला 21st to 31st August के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कि बहुत ही कैसे बोलते हैं डेलिकेट सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पे केयरफुल हैंडलिंग की बहुत जरूरत है, बिकॉज वर्ज पे है ये लाइक गिरने के नहीं, बट लाइक ये सिचुएशन और वर्स हो सकती है अगर ये जरा से इसका ध्यान ना रखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बट आई फील आप वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इम्पेशेंस, इम्पल्सिवनेस, मैनिपुलेशन के कहे में आके, मैनिपुलेट होके आप इम्पल्सिवली बिहेव कर लोगे, इवन दो ये सिचुएशन में, ये सिचुएशन को बैलेंस तरीके से हैंडल करना है, केयरफुल होके हैंडल करना है ताकि ये बिगड़ ना जाए सिचुएशन। अब देखिए रीडिंग में अगर आपने सुन लिया है पहले कि क्या होने वाला है और इस वजह से अगर आप ध्यान रख लें देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आप
आपको जब वो चीज पता लगेगी, जब मैन्युपुलेटिव इंसान आपको मैन्युपुलेट करेगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप भागे भागे जाएंगे ओवर रिएक्ट करने. समहाउ आई फील यू वॉन्ट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल योर इमोशंस. कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, कैंसर के लिए मैसेजेस. 21st to 31st August, कैंसर के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए. कैंसर के लिए मैसेजेस 21st to 31st August, कैंसर के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए. 21st to 31st August. बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट. सिंपल सा मैसेज है, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, मे बी किसी एडमायरर से, अपने पार्टनर से, मे बी यू नो लाइक अ फेयरवेल गिफ्ट, टाटा बाय बाय वाला गिफ्ट, वो भी मिल सकता है. बट कोई एक गिफ्ट मिल रहा है आपको 21st to 31st August के दौरान. हेस्टैग कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन. भाई देखिए, अब आपके साथ जो हो रहा है ना, या तो आपको निकाला जा रहा है या आप खुद छोड़ के जा रहे हैं, वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज आपका कर्मा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है. एक तो सबसे पहले हम अगस्त में बैठे हैं, अगस्त मंथ होता है एट होता है शनि, शनि क्या होता है कर्मा, ठीक है. सो वहां पे आपका रिलेशन रिलेटेड हो गया ये चीज. दूसरा, आई थिंक 21st to 31st में मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है. नॉट दैट इट इज रिलेटेड टू कर्मा, बट चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं. कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन. तो मे बी आपने किसी और के साथ ऐसा करा होगा, एंड दैट इज वाई आप भी वही सेम चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं 10 दिन के दौरान. अब आप उसमें कुछ भी बोलते रह जाएं कि नहीं, मैंने अपने टाइम पे ये नहीं किया था, उस टाइम पे मेरे पास रीजन था, अभी इस इंसान के पास रीजन नहीं है, नो नो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई कर्मा पे बैक और वट एवर, बट इट इज, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन. बट यस, मोर ऑर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. कैंसर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.